सर हमने सुना है कि सीए कोर्स का जो स्कोप है ना वो डिक्लाइन हो रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड जो है ना वो थोड़ी कम होती जा रही है। भाई मेरे को एक चीज बताओ, इंडिया में ऐसा कौन सा कोर्स है जो क्वालिफाई करते ही ऐसे पैसों की बारिश होने लग जाएगी? क्या कोई ऐसा कोर्स है? कोई ऐसा कोर्स नहीं होता। तो किसी कोर्स के स्कोप का मतलब क्या है गाइस? मैंने अभी इसको लिंक्डइन पे भी एड्रेस किया है इस सवाल को। भाई मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। आरबीआई ने अभी एक नोटिफिकेशन निकाली जिसमें बोला कि भाई किसी भी बैंक के सीएफओ जो होंगे वो खाली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। बाकी आप जाके चेकआउट करो कि भाई वॉलमार्ट इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आपके मेक माई ट्रिप के सीईओ कौन है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आप एवरेज पैकेज देखो जो आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट रिपोर्ट में आता है, हाईएस्ट पैकेज देखो कितना आता है। हाँ आपको सीएस मिलेंगे जो 30,000 रुपए भी कमा रहे हैं महीने की और 3 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, राइट और नॉट? 30,000 वाले सीएस भी है, 3 लाख रुपए वाले सीएस भी हैं। क्यों है ये फर्क? भाई ये फर्क इसलिए है गाइस क्योंकि स्कोप किसी कोर्स का नहीं होता, स्कोप होता है उसे करने वाले का। स्कोप आपका होगा फ्रेंड्स। ये डिग्री जो है ना, ये डिग्री सिर्फ आपको एक पावर देगी। ऐसे इसको इमेजिन करो, ये डिग्री एक बैट की तरह है। ऐसे एक बैट की तरह है कि आपको ये पावर देगी कि आप क्रिकेट की फील्ड पे जाके ओपन करो, रोहित शर्मा की तरह दुनिया के किसी भी ग्राउंड पे आप मैच खेल सकते हो। ऑडियंस से चेयर कर रही होगी, सीए साहब सीए साहब, लेकिन वहां जाके छक्के तो आपको ही लगाने हैं, सेंचुरी तो आपको ही मारनी है, डबल सेंचुरी तो आपको ही मारनी है, राइट और नॉट? तो स्कोप किसी कोर्स का नहीं होगा गाइस, स्कोप उसे करने वाले का होगा। स्कोप आपका होगा कि ये कोर्स को क्वालिफाई करके आप कितना ऊपर जाते हो, राइट और नॉट? तो यही फ्रेंड्स, यही बात मेरे को बस एम्फसाइज करनी थी। और बहुत अच्छा कोर्स है जो आप कोर्स करो, कभी भी उसमें डबल थॉट्स मत लेके आओ। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये बात समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डू विजिट thinkingbridge.in, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।